हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स जो इंग्लिश लिटरेचर में हैं डिफरेंट राइटर्स ने दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेट करने वाली भी होंगी कुछ कोट्स और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होंगी, बेनिफिशियल भी होंगी अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। Beauty is like a rich stone, best plain set. Francis Bacon. Francis Bacon जानते कौन है? Francis Bacon is known as the father of English essays. तो Francis Bacon ने अपने work में से, उनके ये बहुत ही famous quote है, Beauty is like a rich stone, but plain set. Then houses are built to live and not to look on. फ्रांसिस बेकन का ये बहुत ही अच्छी लाइन है। वो बोलते हैं जो हाउसेज हैं, घर हैं, वो उसमें रहने के लिए बनाए गए हैं, उनको देखने के लिए नहीं बनाया गया। एज विल नॉट बी डिफाइड, फ्रांसिस बेकन की ही है ये भी कोट। द प्लेस ऑफ जस्टिस इज अ हॉलोड प्लेस, फ्रांसिस बेकन। नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड, ये फ्रांसिस बेकन की बहुत अच्छी लाइन है। नेचर, बोलते हैं नेचर टू बी कमांडेड, वही कमांड करेगी तो उसको हमें ओबे करना पड़ेगा। ओबे मीन्स उसका कहना मानना पड़ेगा। स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ये भी फ्रांसिस बेकन के फेमस एसे ऑफ स्टडी से लिया गया है। वो बोलते हैं जो स्टडी है वो हमें डिलाइट देती है, यही हमारा गहना होता है और यही हमारी एबिलिटी भी, मतलब हमारी योग्यता के लिए भी स्टडी में काम आती है। अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स, ये भी फ्रांसिस बेकन का ही कोट है। वो बोलते हैं जो अनमैरिड मैन है वो ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं और बेस्ट मास्टर्स होते हैं, बेस्ट सर्वेंट्स होते हैं। We are the fortunes of human race, ये भी फ्रांसिस बेकन की कोट है। टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, अलेक्जेंडर पोप की ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये बोलते हैं भी गलती करता है इंसान, तो फॉरगिव यानी कि माफ़ करने वाला जो वो डिवाइन है, वो परमात्मा है। गलती इंसान करता है और माफ़ कौन करता है? वो परमात्मा करता है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, ये भी अलेक्जेंडर पोप की ही एक फेमस कोट है उनके एक वर्क में से। ऑल आर नॉलेज इज आवर सेल्फ टू नो, अलेक्जेंडर के कहने ऑल आर नॉलेज इज आवर सेल्फ टू नो, वी थिंक आर फादर्स फूल, सो वाइज वी ग्रो, आर वाइजर सन्स नो डाइट वी थिंक अस सो। वो वाओ, व्हाट्स अ लाइन, अलेक्जेंडर पोप किन्ने लिखी है ये लाइन। वी थिंक आर फादर्स फूल, हम सोचते हैं कि हमारे जो फादर्स हैं वो फूल हैं, मूर्ख हैं। सो वाइज वी ग्रो, तो हम बड़े हो गए हैं, हम बुद्धिमान हो गए हैं। आर वाइजर सन, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो सन हैं, वो हमसे ज़्यादा वाइजर हैं, यानी कि हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, वो हमें फूल मानते हैं। नो डाउट विल थिंक एस सो, तो हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना। अलेक्जेंडर पोप की बहुत अच्छी लाइन है ना। आई लिस्ट इन नंबर फॉर द नंबर्स केम, अलेक्जेंडर पोप की ये भी लाइन। मैन मस्ट बिगिन वेयर नेचर एंड्स, तो मैथ्यू आर्नल्ड जो एक बहुत ही फेमस ये विक्टोरियन एज के मैथ्यू आर्नल्ड क्रिटिक हुए हैं, उनकी ये लाइन है। मैन मस्ट बिगिन वेयर नेचर एंड्स, उन्होंने बोला है मैन को वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ नेचर का एंड होता है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, जॉन कीट एक रोमांटिक एज के राइटर हैं, उन्होंने बोला है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सुंदरता ही सच है, सच ही सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये, ब्यूटीफुल लाइन है। What the imagination sees as beauty must be truth, John Keats की ये भी लाइन। A thing of beauty is joy forever, John Keats की ये पोइम है, पोइम से ही ये लाइन ली गई है, John Keats की।
नॉट टू सिंपथाइज इज नॉट टू अंडरस्टैंड डे क्वेंसी. वो बोलते हैं किसी को हमदर्दी दिखाना उसको समझना नहीं है. हम अगर किसी को हमदर्दी दिखाते हैं, उसके साथ हमदर्दी करते हैं, किसी के साथ सिंपथाइज करते हैं, वो उसको समझना नहीं है. उसको ऐसे नहीं बोल सकते भी हाँ मैं आपको समझता हूँ. If God did not exist, it will be necessary to invent him. Voltaire ने बोली है, अगर वो साइंस को बोल रहे हैं अगर गॉड नहीं है तो ये ज़रूरी है तो उसको इन्वेंट करना चाहिए, उसको इन्वेंट करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए हमें. A book should help us either to enjoy life or endure it. डॉक्टर जॉनसन की है ये लाइन. ये भी बहुत फेमस क्रिटिक हुए हैं डॉक्टर जॉनसन. अ बुक शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट. ये डॉक्टर जॉनसन की लाइन है. व्हाट आई एस्पायर टू बी एंड वाज नॉट कंफर्ट्स मी. रॉबर्ट ब्रॉनिंग की ये लाइन है. यूथ मीन्स लव. वो बोलते हैं यूथ मीन्स क्या होता है, लव होता है, प्यार होता है. जवानी मीन्स प्यार. वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की है ये कोट. वी फॉल टू राइज आर बैफल टू फाइट बैटल स्लीप टू वेक. ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है. ये ड्रामेटिकल मोनोलॉग के लिए ज़्यादा फेमस है. गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड. ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक वर्क में से ली हुई ये कोट है. ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो. ये लाइन कौन से वर्क में से और किस राइटर के द्वारा लिखी गई है. द टाइगर ऑफ रैथ आर वाइजर दैन द हॉर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्ट्स. विलियम ब्लेक में की ये लाइन है. विदाउट कॉन्ट्ररीज देयर इज नो प्रोग्रेशन. वो बोलते हैं कॉन्ट्ररीज मीन्स कंपटीशन. अगर यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कॉन्ट्ररी नहीं है, उसका वो नहीं है, कॉन्ट्ररी नहीं है, तो यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं हो सकती. विलियम ब्लेंक का ये कोट है. पीटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर. विलियम ब्लेक. अ टायरेंट इज द वर्स्ट डिजीज एंड द कॉज ऑफ ऑल अदर्स. ये बोलते हैं जो टायरेंट है वही सबसे बुरी बीमारी है और इसी के कॉज एंड द कॉज ऑफ द ऑल अदर. तो इसका कॉज क्या है, सारे दूसरे हैं. रियून ऑफ द टाइम इज मेंशन ऑफ द एटर्निटी. विलियम ब्लेक की है ये भी लाइन भी. हमें टाइम नहीं करना चाहिए बर्बाद. व्हाट इज फिट फॉर एवरीथिंग कैन फिट नथिंग वेल. डॉक्टर जॉनसन की है ये लाइन. टेडियस इज द मोस्ट फेटल ऑफ ऑल फॉल्स. डॉक्टर जॉनसन की है ये लाइन. नेक्स्ट. Life is a comedy to those who think and a tragedy to those who feel. Horace Walpole. वो बोलते हैं life उनके लिए comedy है जो इसको सोचते हैं. ये life ही उनके लिए tragedy है जो इसको feel करते हैं. Very simple and very beautiful line. There is a no better English anywhere than the English of the Bible. वो बोलते हैं इससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश कहीं भी नहीं हो सकती जितनी बाइबल की इंग्लिश है. ये बोलते हैं सेंट्सबरी. वेल्थ आई आस्क नॉट, होप नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी. ऑल आई आस्क द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी. ये स्टेवर्सन की ये लाइंस हैं. Man is born free, but alas, he is everywhere in chain. ये रूसो की लाइन है, कोट है. Literature is the humanization of the world. गोथ की ये लाइन है. No man at all can be living forever, and we must be satisfied. J.M. Synch. Ancients are guides and not commanders. Truth lies upon to all. It is no man's slave. Ben Jonson की है ये line. Next. Great art has the soil of humanity in it. Peter की ये line है. Great art has the soil of humanity in it.
डार्कनेस इज मैंस नेचुरल एलिमेंट, वो बोलते हैं जो डार्कनेस नेचुरल एलिमेंट है, डार्कनेस है जो वो नेचुरल एलिमेंट है, कॉलिन विल्सन की ये कोट है. एन आर्कियोलॉजिस्ट इज द बेस्ट हस्बैंड एनी वुमेन कैन हैव, द ओल्डर शी इज मोर इंटरेस्टेड ही इज इन हर. वाओ, एगाथा क्रिस्टी, ये लाइन कितनी अच्छी है ना. एन आर्कियोलॉजिस्ट इज द बेस्ट हस्बैंड एनी वुमेन कैन हैव, द ओल्डर शी इज द मोर इंटरेस्टेड ही इज इन हर. माय लाइफ इज स्टूपिड एंड अ स्पिटफुल जोक दैट सम वन हैज प्लेड ऑन मी. टॉल्स्टॉय ने बोला मेरी लाइफ कितनी स्टूपिड है एंड स्पाइटफुल जोक है ये, क्योंकि ये अदर लोग हैं वो मेरे ऊपर खेल रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं मेरी लाइफ के ऊपर. अ सीनिक इज अ मैन हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग. ऑस्कर वाइल्ड ने बोला है ये सब सीनिकल मैन वो होता है जो प्राइस तो जानता है हर एक चीज़ का मगर वैल्यू नहीं जानता. वैल्यू और प्राइस में उसकी, पैसे में तो पता है ये इतने की है, इतने रुपए की है, मगर उसकी कीमत नहीं जानता, उसका मीन्स वैल्यू नहीं जानता. लिटरेचर ऑलवेज एनी एंटीसिपेट लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट बट मोल्ड इट्स पर्पस. ऑस्कर वाइल्ड की ये भी लाइन. आई कैन रेसिस्ट एवरी थिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन. ऑस्कर वाइल्ड की ये भी लाइन. येट ईच किल्स अ थिंग ही लव्स. ऑस्कर वाइल्ड की ये भी लाइन. ऑबिडेंस अलोन गिव्स द राइट टू कमांड. एमर्सन की ये कोट है. इमिटेशन इज सुसाइड. एमर्सन बोलते हैं इमिटेशन, नकल करना तो सुसाइड करने के बराबर है. तो मतलब उसके ये खिलाफ हैं, इमिटेशन के खिलाफ हैं. मैन लव टू वंडर एंड दैट इज टू सीड ऑफ साइंस. एमर्सन बोलते हैं मैन लव्स टू वंडर, वो जो मैन है वो वंडर इन इधर उधर चलना जाना पसंद करता है. एंड दैट इज द सीड ऑफ साइंस, यही तो सीड है, यही तो बीज है साइंस का. तभी तो इधर उधर जाएगा, तभी दिमाग में कुछ ख्याल आएंगे तो नमी नई चीज़ को इन्वेंट करेगा. टू एंड टू आर फोर एंड नथिंग ओवर. डिकिन, ये डिकिन की लाइन है. टू एंड टू आर फोर एंड नथिंग एवर. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये पसंद आई होगी तो मेरा तो मानना ये है आपको इन्जॉय करना चाहिए. इन्जॉय कीजिए स्टडी को, इन्जॉय स्टडी एंड खुश रहा करो, पढ़ा करो. अगर अब वो ना एक वो बोलते हैं अगर आप अब रात, वो बोलते हैं ना अगर रातों में जागोगे तभी सुखाले खाओगे ना, तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब तो फिर कुछ बनेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन